परफ्यूम की खुशबू को देर तक बरकरार रखना बहुत आसान। कपड़ों में खुशबू ज्यादा देर तक सरायत करती है। राबी पीरजादा का गवर्नमेंट से शिकवा, मेरा आर्टवर्क सरकारी सतह पर प्रमोट नहीं किया जाता। किताब पढ़ने पर अपने बेटे को डॉलर्स देने पर बाप तनकीद की जद में, लोगों ने बच्चे को लालची बनाने वाली हरकत करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम वर्ड्स एंड वर्ड्स आउट की एक और एपिसोड में, और आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि अब ये मुमकिन है कि आप अपने जो भी परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उसको, उसकी खुशबू को ज़्यादा देर तक आप बरकरार रख सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये शिकायत होती हैं, जब कभी भी वो महंगा परफ्यूम भी खरीदते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि वो खुशबू लगाने के बाद 1 से 2 घंटे तक बरकरार रहती है, उसके बाद वो खुशबू जो है वो आपके जिस्म से नहीं आती, या फिर आपके कपड़ों से वो खुशबू नहीं आती दूसरे लोगों को, या फिर आपको खुद भी वो महसूस नहीं होती, मतलब इसका फेड अवे होना शुरू हो जाती है। और यूजुअली मेरे ख्याल है जितने लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, जो आई थिंक मोस्ट पीपल डू, तो उनको ये इशू फेस करना पड़ता है कि उनका जो परफ्यूम है यूजुअली थ्रू द डे जो होता है 1-2 घंटे के अंदर अंदर फेड अवे होना शुरू हो जाता है। और इस स्टोरी में हम बात करेंगे कुछ ऐसी रिसर्च के बारे में जिसके थ्रू साइंटिस्ट ने पता लगाया कि किस तरह के एरियाज हैं आपकी बॉडी पर जहाँ परफ्यूम लगाने से जो है आप उसकी स्मेल को लास्ट कर सकते हैं लॉन्गर। एग्जैक्टली, और सबसे पहले आपको बताएं कि बेसिकली किस तरह से जो है वो आप इस खुशबू को ज़्यादा देर तक बरकरार रख सकते हैं। अब बालों की अगर बात करें, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू है, और आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप अपने बालों के ऊपर खुशबू लगाएंगे, कभी भी बॉडी स्प्रे को या फिर परफ्यूम को हमने अपने बालों के ऊपर तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। बालों के लिए अलग से स्प्रे होते हैं, बालों को अच्छा करने के लिए अलग से प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि हम लोग बालों के ऊपर जो है वो परफ्यूम लगाएंगे तो उससे जो है वो खुशबू ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी। लेकिन साइंसदान और रिसर्चर्स माहरीन ये कहते हैं कि बालों पर अगर आप खुशबू लगाएंगे तो वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा अरसे तक बरकरार रह सकेगी। बाल जो होते हैं वो आपकी ओबियसली जब आप परफ्यूम को बालों पे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रूट्स अब्जॉर्व कर लेती हैं उस स्मेल को, जिसकी वजह से वो जो थ्रू द डे जो होते हैं वो सेंट जो है वो रहती है आपके अंदर। उसके अलावा भी अगर बहुत सारे और जगह भी हैं, जिस तरह की आपके कोनी का जो ऊपरी हिस्सा है अगर आप उस पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ड्राई एरिया नहीं होता है, मॉइस्ट एरिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो इट एक्चुअली लास्ट लॉन्गर एंड थ्रू द डे एज वेल। उसके अलावा भी कानों के ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि हमें ये तो पता है कि कानों के ऊपर अगर हम इस्तेमाल करें, या ये जो एरिया होता है कानों के नीचे यूजुअली लोग इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम को, बट इवन कानों के ऊपर वाला जो एरिया होता है उस पर भी अगर आप इस्तेमाल करें, एंड अगेन इट्स ऑल्सो अ मॉइस्ट एरिया, जिसकी वजह से थ्रू द डे जो है स्मेल जो है वो प्रिजिस्ट करती है। एग्जैक्टली, ये स्मेल जो है वो स्टे कर सकती है ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। और इसमें जितने भी तरीकाकार बताए गए हैं परफ्यूम को लगाने की, वो मेरे ख्याल में अब बिल्कुल बरक्स हैं जहाँ पर हम परफ्यूम लगाते थे, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में अपने कपड़ों पर इस तरह से परफ्यूम लगा लेते हैं। लेकिन कपड़ों के अलावा ये भी एक ऑप्शन है कि कपड़ों के ऊपर भी आप अगर परफ्यूम लगाएंगे तो तब भी, रिसर्च में ये भी पता लगाया गया है कि इवन आपकी जो बॉडी के कुछ हिस्से होते हैं जहां पे स्मेल ज्यादा देर परसिस्ट करती है, बट इवन आपके कपड़ों पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम को इन एडिशन विद योर अदर बॉडी पार्ट्स, तो इवन वहां से भी जो है स्मेल ज्यादा देर तक जो है परसिस्ट करती रहती है। जी हां, इसके अलावा नाफ, घुटनों के पीछे, आपकी पिंडलियों के नीचे और टखनों में अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि काफी रेयर है और जो कि काफी अजीब साउंड कर रहे हैं, अजीब इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में तो कभी सोचा नहीं है और ना ही हम ऐसा करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये रिसर्च सामने आई है, लेकिन एवरीबॉडी वांट्स कि उनकी जो परफ्यूम की सेंट है, ऑब्वियसली हम लोग इतने महंगे परफ्यूम्स खरीदते हैं एट टाइम्स, एंड कि वो थ्रू द डे तो लास्ट करे ना, मतलब चलें ठीक है आपकी डे एंड तक तो होनी चाहिए। और ये अच्छी बात होगी कि ये रिसर्च हमारे सामने आई और अब तमाम लोग हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि राबी पीरजादा, जो कि म्यूजिक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी सिंगर हैं और पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा नाम कमाया, लेकिन क्योंकि वो म्यूजिकल इंडस्ट्री से दूर चली गई, कुछ वजह से कोई एक हादसा हुआ उनके साथ, कंट्रोवर्सीज हुई उनके खिलाफ, कुछ चीज़ें उनकी वायरल हुई जिसकी वजह से बाद में वो मीडिया से तो दूर चली गई, अपनी म्यूजिकल एल्बम्स बनाना उन्होंने बंद कर दी और कुछ इस्लाम की तरफ, इस्लामिक टीचिंग्स की तरफ वो चली गई थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्योंकि आपको कोई ना कोई काम तो करना है, रोजी रोटी के लिए आपको अपना रोजगार तो बनाना है, तो उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू की क्योंकि वो एक अच्छी आर्टिस्ट हैं।
अब उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट लेवल पर मेरी पेंटिंग्स को जो है वो पज़ीराई नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए। मेरी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव काम वो करती हैं, लेकिन वो पज़ीराई नहीं मिल रही गवर्नमेंट लेवल पर जो कि इनको मिलनी चाहिए। और उनका ये भी कहना था इस ऑब्वियसली जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो वो ये भी कह रही थी कि जब उन्होंने पहले प्रीवियसली ट्वीट किया था कि मैं कंट्री छोड़ कर जा रही हूँ आफ्टर जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उनके बारे में, लेकिन वो जो ट्वीट थी वो वायरल हो गई थी जब उन्होंने कहा था कि मैं कंट्री छोड़ कर जा रही हूँ, लेकिन जब वो अपनी आर्ट की बात करें, जब अपनी पेंटिंग्स की बात करें, यानी कि ऑब्वियसली वो आर्टिस्ट हैं एक तरह से और वो चाहती हैं कि उनका जो आर्ट है वो पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए, लेकिन उनकी बहुत शिकायत है हमारी गवर्नमेंट से कि उनकी गवर्नमेंट लेवल पे जो है उनके आर्ट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जा रहा, लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। उनका ये भी कहना था कि इस तरह से कितने आर्टिस्ट होंगे जो पाकिस्तान छोड़कर चला जाएंगे और पाकिस्तान जो है महरूम हो जाएगा इतने अच्छे आर्टिस्ट से। एग्जैक्टली। और बात करेंगे ट्विटर की, तो ट्विटर एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लोग जो हैं ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। बेसिकली आप कुछ भी पोस्ट लगाते हैं, कुछ भी आप स्टेटस लगाते हैं, तो वो एटलीस्ट ऑथेंटिक होगा और उसके ऊपर जो है आगे लाहे अमल भी इख्तियार किया जाएगा। सो वहां पर ट्वीट करते हुए राबी पीरजादा ने कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ऑफिस से 2 दफा फोन आया मगर कोई नतीजा नहीं निकला। वहां से फोन तो आया लेकिन आगे जो उनकी क्यूरीज थी उनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया, उनके बारे में मजीद मालूम हासिल नहीं की गई और जो बेसिकली राबी पीरजादा का मसला था उसको सॉल्व नहीं किया गया। एंड ऑब्वियसली आई बिलीव पर्सनली कि जो किसी की पर्सनल लाइफ है कि कोई भी अगर उनके इश्यूज होते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं, ऑब्वियसली इवन बीइंग एन आर्टिस्ट और एनी बडी एल्स इन पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल है कि उसका इम्पैक्ट आपके काम पर पड़ना चाहिए। हर किसी को ज़रूरत होती है पैसे कमाने की, काम करने की, और उस काम के बीच में आपके सामने इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल भी आपके रास्ते में नहीं आने चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट दैट राबी पीरजादा इज़ मेकिंग थ्रू दिस डिस्कशन। और उन्होंने एक डिस्कशन स्टार्ट कर दिया इन पाकिस्तान ऑब्वियसली कि क्यों उनके आर्ट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट लेवल पे इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। और किसी भी किस्म का कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी क्यूरी हो, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सॉल्व करे, तभी जो है वो लोगों के अंदर वो एक हौसला आएगा, एक करेज आएगी कि वो आगे मजीद काम कर सकेंगे। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। हम लोग सुना करते थे कि जो एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी कि लालच बुरी बला है, तो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि आपने लालच नहीं करनी, सिर्फ आपने उतना ही गेन करने की कोशिश करनी है जितना कि आप डिजर्व करते हैं। इस हवाले से खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि किताब पढ़ने पर अपने बेटे को डॉलर देने वाला बाप तनकीद की जद में। आजकल सोशल मीडिया पर आपको पता है कि एक अमरीकी बाप शदीद तनकीद की जद में है। उन्होंने किया ये कि उन्होंने 160 सफ़े वाली किताब अपने बेटे को पढ़ने के लिए दी और बार बार वो इसी तरह की कुछ किताबें अपने बेटे को पढ़ने के लिए देते रहे और उनको उसके बदले में कुछ पैसे देने की लालच भी उन्होंने दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की है। पेरेंटिंग इज समथिंग आई बिलीव शाज़ेब के इट्स सम, ये हर किसी का अपना तरीका होता है पेरेंट करने का अपने बच्चों को। एंड आई डोंट थिंक कि लोग बता सकते हैं किसी को जाकर कि आप क्या पेरेंटिंग में सही करें। ऑब्वियसली एडवाइस इज ऑलवेज वेलकम, लेकिन तनकीद और क्रिटिसिज्म जो होता है आई डोंट थिंक दैट्स एक्सेप्टेबल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग। जिसका बच्चा है वही जानता है कि उन्होंने उसको किस तरह से रेज करना है। इस स्टोरी में जिस बच्चे की हम बात करें उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको एक तरह से एक लालच दी, या लालच क्या दी, उसको कहा कि अगर आप किताब पढ़ोगे तो हर 160 पेजेस की जो किताब वो पढ़ेंगे उसके उनको $1 जो है वो दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। जो ट्वीट इनके फादर ने की उन्होंने उसमें उन्होंने ये भी बात की कि वो एक जो बच्चे हैं वो $120 इस साल उनसे ले चुके हैं ऑलरेडी, और उस बच्चे का ख्याल है कि मैं अपने बाप को कितना अच्छी तरह से जो है उनसे पैसे ले रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बाप अपनी जो अक्लमंदी पर बड़े खुश हो रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चे को असल में जो रीडिंग हैबिट उसकी होनी चाहिए उसकी तरफ उसको मुतवज्जा किया। लेकिन फातिमा बेसिकली यहाँ पर जो तनकीद का सामना हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों ने ये ट्वीट भी किए हैं कि अगर आप अपने बच्चे को ये आस्पेक्ट दिखाएंगे कि आपको किताबें पढ़ने के पैसे मिलेंगे तो वो एक जो ग्रेड उसके जहन में डेवलप होगी वो बाद में जब उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, जब उसको एक एक्सपोजर मिलेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट उसको नहीं मिल रही तो फिर वो बच्चा जो है वो ख़राब हो जाएगा और वो किताबें पढ़ने भी छोड़ देगा और बाद में उसके अंदर जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो क्रिएट होंगी। सो लोग इस हवाले से बहुत तनकीद कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो इन बाप ने ये उनको जवाब दिया है कि ये आइडिया जो था ये बेसिकली इस बच्चे की मदर का था। सो जो तनकीद है वो आप उनके ऊपर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अप्रिसिएशन करनी है तो वो भी उनकी मदर की तरफ ही होगी, मुझे छोड़ें, यानी कि वो पतली गली से निकल गए। मतलब जिनकी हम इस स्टोरी में बात कर रहे हैं उनका नाम डेविड है, जिन्होंने एक्चुअली ये ट्वीट पोस्ट की थी, लेकिन ऑब्वियसली जब उनको काफ़ी सारी तनकीद और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा तो उनका कहना था, इवन यहाँ तक उनको कहा गया कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते हैं, बिकॉज आपको कोई मेंटल इशूज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को इतनी छोटी एज से जो है वो पैसों की लालच में डाल रहे हैं कि वो बड़ा होकर ऑब्वियसली वंस ही स्टॉप्स रिसीव
रिसीविंग मनी. काम तो अच्छा कर रहे हैं फातिमा, लेकिन उनका तरीका गलत है. और आपका अगर तरीका गलत हो तो ऑब्वियसली उसके जो नतायज हैं वो भी बुरे हो सकते हैं. सो आपने बेसिकली जब कोई काम करना है अपने बच्चों के हवाले से खास तौर पे, क्योंकि जिस एज के अंदर बच्चा ग्रो करता है या जिस एज में उसका एक मच्योर ब्रॉटअप हो रहा होता है, आपने उस एज में बड़े ही ज्यादा थोड़े से मोहतात होकर चलना है ताकि बड़ा होकर वो उन चीजों को अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर सके. एडवाइस देनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. हाँ बिल्कुल, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. सो नज़रिन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से इसी तरह की अजीबो गरीब और कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे. तब तक के लिए मुझे और फातिमा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.